रवि जी, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे आप जाने कि जयपुर उनको कैसा लग रहा है, और क्या ये पहली बार जयपुर आए हैं, और जयपुर आने के बाद ये क्या क्या एक्सपेक्ट करके आए हैं कि जयपुर में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो जयपुर पहली बार आए हैं, ये है एड पेरी, ये पूछ रहे हैं, ही इज आस्किंग दैट यू फर्स्ट टाइम टू जयपुर, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट जयपुर एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस बीन अप टिल नाउ? I'll answer the last one first. The experience has been fantastic. This is my first time to Jaipur. This is one of the cities I was anxious about visiting because I saw this in a movie where some people from England retired and moved here. So I had a curiosity about this town. I know it's the capital city, so I don't really have any expectations other than to take it all in and enjoy it like I have the other cities that I visited. Okay, जानना चाहेंगे आपसे रवि जी, जिस तरह से इनकी उम्र है तो क्या ये अपने अपनी कंट्री को मिस करते हैं, अपनी फैमिली को मिस करते हैं, या फिर इंडिया में आकर बस ये कहते हैं बस यहीं पर हमें बस जाना है? आई थिंक ये कंट्री अपनी, ये इतनी उत्सुकता से अपनी कंट्री देखने आए हैं, पहली बार ये पहले हिमालयन लेक कर चुके हैं एड, बाकी सब ने पहली बार इंडिया आए हैं, मगर एड पहले भी हिमालय का रन कर चुके हैं, तो हिमाचल प्रदेश ले लद्दाख कर चुके हैं, ये दूसरी बार आए हैं, क्योंकि इतना उन्हें अच्छा लगा तो उन्हें बोला बाकी के स्टेट्स को भी इन्जॉय करना चाहिए. So he's saying, have you, it's like if you are first time coming, but I said that you are second time coming in. So he's expecting, like, how you are expecting to, are you enjoying it? How you, are you, what was your expectation second time coming in? Well, my second time coming in, and the reason I came again, because Ravi offered this opportunity for me to see other parts of India. And I know that India is a large and diverse country. And previously I'd only seen the remote regions of Ladakh. So I was really excited to come and have this opportunity to see the other sections. And I have not been disappointed. I find India in general to be a very stimulating, extremely stimulating and an interesting country. It's not boring. Everywhere I look, there's something happening. And I like that. That appeals to me. बिल्कुल, भारत की संस्कृति ही ऐसी है, यहाँ पर कोई बोर नहीं होता, कुछ नया जानने को, कुछ नया समझने को यहाँ पर ज़रूर मिलता है. कुछ और विदेशी मेहमानों से जानते हैं कि इंडिया और खास करके राजधानी जयपुर आकर वो कैसा फील कर रहे हैं, उन्हें कैसा लग रहा है. प्लीज़ कम मार्टिन, प्लीज़ जॉइन अस. कुछ और विदेशी मेहमानों से जानना चाहेंगे रवि जी, मार्टिन है आपके पास में, उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की संस्कृति को कितना करीब से इन्होंने जाना. यहाँ पर अगर बात की जाए भारत के खाने की, स्वादिष्ट व्यंजन की, तो चटोरी जुबा को जायकेदार टेस्ट देने के लिए आपने जैसे कहा कि स्ट्रीट फूड को भी इंजॉय करते हैं, तो यहाँ का खाना इन्हें कैसा लग रहा है? मार्टिन, ये इज आस्किंग यू, हाउ हैव यू एंजॉयड द फूड सिंस यू हैव अराइव्ड इन इंडिया? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड. आई एम ओरिजिनली फ्रॉम मेक्सिको. द इंडियन फूड इट्स रियली गुड, बट इट गोस अनदर लेवल देन मेक्सिकन, सो आई एंजॉय एवरी मिनट ऑफ इट. I'm not missing the hamburgers or bistecs. This is good. Okay, तो यहाँ के मसालों की भी बात यहाँ पर आई है सामने, क्योंकि ये विदेशी हैं लेकिन भारत के व्यंजनों को लेकर ये बहुत एक्साइटेड हैं. और हाँ, राजस्थान के जयपुर में इनको दाल बाटी चूरमा जरूर टेस्ट करवाना है रवि जी. हाँ जी, दाल बाटी राजमा चूरमा थाली ज़रूर टेस्ट करानी है. राजस्थान का बिल्कुल स्वादिष्ट टेस्ट जो है यहाँ भी जयपुर इन में भी लेंगे हम. वेरी ट्रेडिशनल राजस्थानी. हम आगे बीकानेर भी जा रहे हैं, उसके बाद सैम ड्यून्स तक जाने वाले हैं, तो इनको बहुत सारे राजस्थानी डिशेस खाने को मिलेंगे. राजस्थानी अचार खाने मिलेगा, लोकल बनी हुई जो बाजरे की रोटी है वो खाने को मिलेगी, जो मुझे बहुत पसंद है. तो राजस्थान और ख़ासकर पुष्कर, मैं हर साल आया करता था मोटरसाइकिल पर, तो इन सबको मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी पिछले 2 साल से, तो ये सब कह रहे थे कब ले जाएंगे इंडिया, कब ले जाएंगे, बहुत उत्सुक थे. मैंने बोला इतना आसान नहीं है, पूरा प्लान करने के लिए वक्त लगता है, तो 18-1 महीने लग गए ये तैयारी करने में, मगर फाइनली दे आर हियर. बिल्कुल, अब भारत में हैं ये और राजस्थान के ये मेहमान हैं, तो मेहमान नवाजी का मौका जो राजस्थान के लोगों को मिल रहा है, तो यकीनन ये यहाँ पर खुश होंगे और कहेंगे वाह राजस्थान.